हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि हमेशा की तरह मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर होली फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। सो दोस्तों, होली फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल आपको बहुत ही इजी स्टेप में आपको बताऊंगा। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिए एंड वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो जाइए अभी फॉलो कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, पिक्सार्ट ऐप को ओपन करने के बाद आपको साथ ही साथ बैकग्राउंड को भी इंपोर्ट कर लेना है पिक्सार्ट के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो कटआउट मॉडल है उसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कटआउट मॉडल है मैं उसको अच्छे से ऐड कर लिया हूँ एंड यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर परफेक्ट कुछ इस तरह से सेट कर दूँगा एंड डन कर दूँगा। तो दोस्तों, जितना सारा PNG और बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ इस वीडियो में तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली मॉडल को सेट करने के बाद फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस दोनों PNG को जो है ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से जो है सेट कर देना है। इसको साइड रखेंगे एंड इसको अच्छे से। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से सेट करने के बाद अगर आपके फेस पे जो कलर आ जाए तो यहाँ से जो है इरेजर ऑप्शन पे क्लिक करना एंड क्लिक करने के बाद जस्ट इसको जो है यहाँ से इरेजर ऑप्शन के सेटिंग जो है कुछ इतना रख लेंगे एंड फटाफट इस तरह से जो है इरेज कर देंगे एंड डन कर देंगे। एंड फिर इस PNG को कुछ इस तरह से इसको भी अच्छे से सेट कर देंगे। एंड डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो पर जाएंगे। तो दोस्तों, आपको सिंपली जो है कुछ इस तरह से कपड़े पे जो है आपको इसको रखना है और इफ़ेक्ट जो है डाल देना। तो यहाँ से पहले रिमूव कर लूँगा, पहले सबको रिमूव करूँगा एंड उसके बाद कुछ इस तरह से कपड़ों पे ड्रॉ कर दूँगा एंड डन करेंगे। और फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे भी कुछ इस टाइप से यहाँ पे भी लगा देंगे। तो दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद तो इसको जो है अपने फेस पे कुछ इस तरह से लगा लेंगे एंड इरेजर ऑप्शन पे आएंगे और इसको यहाँ से रिमूव करेंगे एंड डन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है फेस पे कुछ इस तरह से लगाने के बाद और फेस पे जो हम लोग लगा लेंगे तो यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा। और यहाँ गालों पे जो है और इसको रिमूव कर देंगे ये फिर डुप्लीकेट कर लेंगे और इस साइड भी जो है दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से जो परफेक्ट कलर लग चुका है एंड यहाँ से डन कर देंगे। एंड डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे और होली टेक्स्ट PNG को कुछ इस तरह से ऐड करके जूम करके ऊपर की तरह सेट कर देंगे एंड डन कर देंगे। सो दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चश्मा है, चश्मा पे जो कलर का रिफ्लेक्शन रहना चाहिए तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से ऐड फोटो पे जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे जो है हल्का सा हम लोग छोटा करके CD पहले कम कर ले रहा हूँ। कुछ इस तरह से करने के बाद इरेजर ऑप्शन पे आएंगे एंड इसको पहले रिमूव कर लेंगे एंड रिस्टोर पे क्लिक करेंगे और साइज को कुछ इतना रख लेंगे। इस तरह से जो है क्रिएट कर देंगे। एंड डन कर देंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं अच्छे से क्रिएट हो चुकी है एंड उसके बाद डुप्लीकेट कर लेंगे। तो डुप्लीकेट के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट ऑप्शन और इसको कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से जो है
चश्मा में रिफ्लेक्शन लग चुका है एंड यहाँ से डन कर देंगे। तो दोस्तों फाइनली जो पिक्सआर्ट में का स्टेप ख़त्म हो चुका है, तो सिंपली इस फोटो को सेव करके चलेंगे लाइटरूम में बैकग्राउंड मैच करने के। सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद ऑल फोटो पे क्लिक करेंगे एंड इस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको पहले लाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद इसमें जो हम लोग लाइटिंग जो है फ़ोटो को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ाएंगे एंड हाईलाइट्स को जितना है उतना ही रहने देंगे एंड शैडो को बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से एंड ब्लैक को हल्का सा कम करेंगे, कंट्रास्ट को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे एंड उसके बाद कलर ऑप्शन पे आएंगे। तो दोस्तों फोटो में जो हम लोग टोन रखने वाले हैं येलो टोन, तो यहाँ से टेम्परेचर को जो है यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरह से एंड टिंट को चेक कर ले रहा हूँ, टिंट को हल्का सा कम करेंगे एंड वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे एंड उतना कुछ करने के बाद मिक्स ऑप्शन पे जाएंगे, इसमें हल्का सा लिप्स जो है रेड कर देंगे और रेड वाला जो कलर होगा वो भी सेचुरेशन बढ़ जाएगा एंड सेकेंड कलर में आएंगे तो यहाँ फेस जो है हल्का सा इसका सेचुरेशन हम बढ़ा रहे हैं, आप अपने फेस को अकॉर्डिंग करना है आपको। यहाँ लुमिनेंस को हल्का सा बढ़ा लेंगे एंड येलो टोन को ह्यू जो है चेंज कर देंगे एंड डन कर देंगे। सो इतना कुछ करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसमें हमको जो है क्लैरिटी डालना है एंड डी हेज एंड नेक्स्ट एंड इसमें नॉइज रिडक्शन एंड कलर नॉइज रिडक्शन एंड शार्पनिंग कुछ इतना रख लेंगे एंड मास्किंग एंड डिटेल्स, कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों बिफोर देख सकते हैं एंड आफ्टर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो फोटो बहुत ही ऑसम लग रहा है। तो आप भी हैप्पी होली पे फोटो एडिटिंग करिए और इंस्टा पे धमाल मचाइए। तो फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।